नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार, झारखंड और यूपी के रेल यात्रियों के लिए आई राहत भरी खबर। भोजपुरी, मगही भाषाओं में बने अश्लील गाने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उठाई आवाज। बिहार के 13 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित मरीज। बिहार पुलिस दे रही है स्पोर्ट्स कोटा के तहत सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल बनने का मौका। बीते दिन जनता दरबार में 5.5 घंटे में 146 शिकायतों का हुआ निपटारा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भोजपुरी, मगही भाषाओं में बने अश्लील गाने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उठाई आवाज। बिहार में भोजपुरी और मगही जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाला एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। हालांकि भोजपुरी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे पड़ोसी राज्य यूपी और अन्य जगहों पर भी बोली जाती है, मगर आजकल कई गायक भोजपुरी गानों में गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इससे जब छवि बिगड़ती है तो उसका ठीकरा पूरे बिहार पर ही फोड़ दिया जाता है। इस बात को लेकर अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आवाज उठाई है। बीते दिन सोमवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर उन्होंने सरकार से अभद्र गानों, हर्ष फायरिंग और शादियों में लड़कियों की नुमाइश पर रोक लगाने की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा कि हिंदी भाषी बिहार में कई बोलियां प्रचलित है, मगर दुर्भाग्य से भोजपुरी और मगही जैसे समृद्ध भाषाओं का अभद्रता के साथ गानों में दुरुपयोग किया जाता है। उसका अभद्र ऑडियो वीडियो बनाकर महिलाओं को अपमानित किया जाता है। उन्होंने बिहार सरकार से पूर्ण शराबबंदी की तरह ही अश्लील गानों और वीडियो पर सख्ती के साथ रोक लगाने की मांग की। बिहार के 13 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित मरीज। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो गया है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर से 72 नए कोरोना केस आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 13 जिलों में एक भी कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, रोहतास, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान जिले हैं जहां एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं, जबकि पटना समेत 25 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पटना में सर्वाधिक 9 नए संक्रमितों की पहचान हुई, वहीं अररिया, बांका और बेगूसराय में एक एक, भागलपुर में 2, भोजपुर में 3, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 1, गोपालगंज में 2, जमुई में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 4, किशनगंज में 7, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 4, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 2, पूर्णिया में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 1, सुपौल में 5, वैशाली में 2 और पश्चिमी चंपारण जिले में 1 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हो गई। लॉकडाउन में जून में दफ्तर नहीं जाने वाले सरकारी कर्मियों को मिलेगा पूरा वेतन। बिहार में लॉकडाउन के दौरान जो भी सरकारी कर्मी ऑफिस नहीं जा सके उनके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के कर्मियों को जून महीने की पूरी सैलरी मिलेगी। आपको बता दें कि जून महीने में 15 तारीख से सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ ऑफिस को खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसे 6 जुलाई के बाद से पूरी क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया। इसलिए बिहार सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर जून महीने का पूरा वेतन देने का आदेश दिया है। इनमें नियमित, संविदा और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। आज में अब एसपी कर सकेंगे लिपिक पर कार्रवाई। बिहार में अब पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को भी बिहार पुलिस क्षेत्र लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को सस्पेंड करने और छोटे दंड देने का अधिकार होगा। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग से आदेश जारी कर कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी पर किसी तरह के आरोप सही पाए जाने पर एसपी के द्वारा उचित कार्रवाई किया जाएगा। इससे पहले यह अधिकार आईजी मुख्यालय को था। हालांकि अगर किसी कर्मी को सस्पेंड किया जाता है तो निलंबित किए गए कर्मी का मुख्यालय, उसका पदस्थापन कार्यालय ही रहेगा और उसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान भी वहीं से मिलेगा। दानापुर रेल मंडल पर लोकल यात्रियों ने मचाया हंगामा। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही आम जीवन पटरी पर आ रही है। ऐसे में कामों के सिलसिले में राजधानी पटना में दैनिक यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, मगर लोकल ट्रेनों की सेवा अभी तक सही तरीके से बहाल नहीं होने के कारण दैनिक यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही है। इसे लेकर आज सुबह पटना से सटे दानापुर रेल मंडल के सदीसोपुर स्टेशन पर दैनिक यात्रियों ने अप एंड डाउन मेन लाइन पर हंगामा करते हुए ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया, जिसके कारण पटना दिल्ली हावड़ा रेल यातायात घंटों तक बाधित रही। यात्रियों की मांग थी कि लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाए। इस पूरे प्रदर्शन के कारण घंटों तक इस रूट से जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन रुकी रही। बता दें कि लोकल ट्रेन कम संख्या में चल रही है, जिससे रोज आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बिहार पुलिस दे रही है स्पोर्ट्स कोटा के तहत सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल बनने का मौका। स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 106 पदों पर भर्ती लेने के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया है। इसके तहत 21 सब इंस्पेक्टर का चयन होगा
वहीं 85 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त 2021 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 700 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग को शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिहार सैन्य पुलिस के पते पर भेजना है। नोटिफिकेशन के लिए आप विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट biharpolice.bis.nic.in पर जा सकते हैं। IMA ने तीसरी लहर को लेकर धार्मिक यात्राओं पर रोक लगाने की कही बात। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर शांत हो रही है, मगर इस बीच हम यह भूल रहे हैं कि तीसरी लहर अपनी एंट्री के लिए तैयार हो चुकी है। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए सरकार को चेतावनी जारी की है। इस कड़ी में बीते दिन संस्था ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार से सावधान रहने की अपील की है। वहीं नागरिकों और अधिकारियों की लापरवाही पर दुख भी जाहिर किया है। इसलिए IMA ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकालकर पर्यटन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम सहित अन्य तरह के कार्यक्रमों को कुछ महीने के लिए रोकने की मांग की है और कहा है कि लोग अगर ऐसे माहौल में बिना वैक्सीन लिए घूमते हैं तो यह तीसरी लहर को तेजी से फैला सकता है। अगले 2-3 महीने में किसी तरह का जोखिम नहीं लेना ही समझदारी है। बिहार, झारखंड और यूपी के रेल यात्रियों के लिए आई राहत भरी खबर। बिहार समेत पड़ोसी राज्यों में कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए अब पूर्व मध्य रेलवे सभी ट्रेनों को फिर से चलाने की तैयारी में लग गया है। रेलवे जोन की ओर से 86 और ट्रेनों को फिर से चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। वहीं यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 1 से 2 दिनों में 20 नई लोकल, मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों को भी शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि रेलवे बोर्ड से 86 और ट्रेनों को फिर से चलाने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही 30 जोड़ी लोकल ट्रेनों का परिचालन भी एक ही दिन शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। जल्द ही इस जोन की सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिए जाने की संभावना है। रुपेश हत्याकांड में पटना पुलिस को मिली एक और कामयाबी। चर्चित इंडिगो फील्ड मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में बैक टू बैक पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। पुलिस ने हत्याकांड के चौथे आरोपी अभयानंद उर्फ आर्यन को न्यू बाईपास से पकड़ लिया है। आरोपी पटना के ही सलीमपुर इलाके का रहने वाला है। गिरफ्तार हुए आरोपी पर आरोप है कि हत्याकांड वाले दिन मुख्य अभियुक्त ऋतुराज की बाइक को आर्यन ही चला रहा था। पुलिस के मुताबिक रुपेश को गोली मारने के बाद आर्यन ही बाइक से ऋतुराज को लेकर भागा था। ऋतुराज ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद से ही पुलिस को आर्यन के बारे में जानकारी मिली और उसकी तलाश शुरू की गई। SSP उपेंद्र शर्मा ने बताया कि चौथे आरोपी आर्यन ने भी घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। LNMU के निर्माण कार्य पर दरभंगा राज परिवार ने लगाई रोक। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा फायर ब्रिगेड कैंपस के पास के खाली जमीन पर यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्माण कार्य किए जाने पर दरभंगा राज परिवार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। इस संबंध में राज परिवार का कहना है कि उस जमीन पर कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया जाना है, जो कि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन आता है और फिलहाल सर्वे खातियान और जमाबंदी भी इस ट्रस्ट के नाम से हो रहा है, इसलिए वहां यूनिवर्सिटी अपना निर्माण काम नहीं कर सकती है। वहीं LNMU के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि यह जमीन यूनिवर्सिटी की है और यहां से किराया वसूली भी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूर्व से ही हो रहा है, इसलिए यहां जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें कि दोनों के बीच यह मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है। जनता दरबार में 5.5 घंटे में 146 शिकायतों का हुआ निपटारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सालों बाद बीते दिन सोमवार से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पहले दिन ही 5.5 घंटे के दौरान CM ने खुद 146 मामलों का निपटारा किया। यह कार्यक्रम पटना में देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित था। मुख्यमंत्री ने पहले दिन विभिन्न जिलों से पहुंचे 146 लोगों की लगातार 5.5 घंटे से अधिक समय तक समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र को मनाने में जुटी राष्ट्रीय जनता दल। पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के आपराधिक संलिप्तता को बुलाकर उनके बेटे ओसामा को मनाने
में राजद के कई नेता जुटे हैं। हर दिन ही उनके घर नेताओं का आना जाना लगा रहता है। इस कड़ी में सोमवार को देर रात आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर ओसामा शहाब से बंद कमरे में घंटों तक बातचीत की। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लग रहे हैं कि राजद पार्टी शहाबुद्दीन के परिवार की नाराजगी को दूर करने में लगा हुआ है। इससे पहले खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी ओसामा से दो बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उनसे मिलने सिवान पहुंचे थे और शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी की सगाई में भी शामिल हुए थे। बता दें कि सिवान से बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही जेडीयू, सपा, एआईएमआईएम, कांग्रेस सहित अनेक कई दल उनके बेटे ओसामा को रिझाने में लगे हुए हैं। सांसद निधि से 89 लाख रुपए उड़ाने वाले जालसाजों की तार 3 राज्यों से जुड़े होने की बात आई सामने। बीते दिनों बिहार के महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के क्षेत्र विकास निधि से 89 लाख रुपए गायब करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। इसके तार झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हैं। फिलहाल अप्रैल में ही झारखंड से गिरफ्तार 2 जालसाजों को आर्थिक अपराध इकाई ने चार्जशीट भी दायर कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के 2 अपराधियों को छपरा कोर्ट में लाया गया है। इस मामले का सरगना जमशेदपुर निवासी वेद प्रकाश बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल गिरफ्त में नहीं आया है। बताते चले कि महाराजगंज के सांसद क्षेत्र विकास निधि का खाता छपरा के बैंक ऑफ बड़ौदा में है। पहले सांसद निधि के खाते में दर्ज मोबाइल नंबर का सिम निकाला गया। इसके बाद इस खाते के 2 चेक को क्लोन कर जालसाजों ने कुल 89 लाख रुपए निकाल लिए थे। इस मामले में अब तक 6 जालसाजों के नाम सामने आए हैं। वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने दुनिया को कहा अलविदा। साल 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे और पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर सुनते ही क्रिकेट जगत की हस्तियों में शोक की लहर छा गई। आकस्मिक निधन पर मदन लाल, कपिल देव सहित कई खिलाड़ियों ने उनकी आत्मा शांति की प्रार्थना कर शोक जताया। बताते चले कि भारत जब पहली बार वर्ल्ड कप जीता था तो टीम के लिए यशपाल शर्मा ने भी खेला था। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए कुल 37 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने करीब 34 की औसत से 1606 रन बनाए थे। वहीं कुल 42 वनडे मैच में यशपाल शर्मा ने 883 रन बनाए थे। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामलों में आई बड़ी कमी। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,443 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 546 लोगों की मौत हुई है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 72 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 127 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 788 हो गई है। वही रिकवरी दर 98.56% हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए बिहार में सभी ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह शुरू कर देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।